सोशल मीडिया पर आजकल एक चीज बड़ा बहस में चलती है, वो है कि हमें मंदिर की क्या जरूरत है, उसकी जगह क्यों ना कोई हॉस्पिटल बना दिया जाए, क्यों ना कोई यूनिवर्सिटी बना दी जाए। और एक और चीज जो चारधाम यात्रा चल रही है उत्तराखंड में, उसके बीच में एक और चीज चल रही है कि लोग कह रहे हैं कि यात्रियों की जरूरत नहीं है, हमें कोई यात्री नहीं चाहिए, हम सही है, चारधाम यात्रा जिसे आना है वो आए, जिसे ना आना है वो ना आए। अब इन दोनों चीजों का जवाब हम यहाँ पर खोजने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पर बैठा हूँ अभी जिस जगह, यहीं पर ढूंढूंगा मैं इन दोनों चीजों का पूरा जवाब ढूंढूंगा, और शायद आप लोग मेरे से संतुष्ट हों, अगर नहीं हो तो कमेंट में बता दें कि आप क्यों संतुष्ट नहीं, आपको क्या लगता है। फिलहाल मैं जिस दुकान में बैठा हुआ हूँ, पहले मैं वो दुकान आप लोगों को दिखा देता हूँ। छोटी सी एक दुकान है, लोकल युवा है, यहाँ का एक लड़का है लोकल, और वो इसे चला रहा है, और पूरा का पूरा वो जो है मंदिर और टूरिस्ट दोनों पर निर्भर है। फिलहाल अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो मैं हूँ देवप्रयाग में। देवप्रयाग आप लोग जानते होंगे, संगम है, माँ गंगा यहाँ पर अगर कहें तो एक तरह से यहीं से अवतरित होती है, यहीं से जो अलकनंदा भागीरथी मिलकर माँ गंगा का रूप यहाँ पर लेती है, और यहाँ से गंगा निकलती है जो कि जीवनदायिनी है, जिससे भारत के करोड़ों लोगों का परिवार पलता है, खेती होती है, कई सारी फैक्ट्रियां चलती हैं, टूरिस्ट की वजह से घर चलते हैं, और इसी केस से लेकर गंगा सागर तक ये माँ गंगा जाती है। फिलहाल मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं यहाँ पर हूँ, और यहाँ पर मैं एक भाई से मिलाता हूँ पहले, और इनसे बात करूँगा। भाई गाँव का रहने वाला है, और क्योंकि चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है तो इसका फर्क इसके जो जीवन में है वो कितना पड़ा है, ये इसी से पूछते हैं। सर क्या नाम है तुम्हारा? मेरा सर दीपक। दीपक, दीपक कहाँ के रहने वाले हो? यहीं का हूँ सर, लोकल। लोकल हो दीपक। जैसे ये यात्रा शुरू हुई, वैसे यहाँ तो टूरिस्ट आता रहता है, लेकिन यात्रा जैसे शुरू होती है तो कितने टूरिस्ट यहाँ आते हैं? लगभग ये मान लो कि जब स्टार्टिंग में 10 तारीख को यात्रा खुली थी, तब केदारनाथ में लगभग 3 लाख से ऊपर यात्री पहुंच चुके थे। तब उन्होंने वहाँ नीचे से रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया। नहीं, तो मैं मतलब जैसे बंद कर रहे हैं उससे बहुत फर्क पड़ गया इधर। हाँ, यहाँ पर अच्छा बंद करने से बंद, लेकिन वैसे अगर यात्रा चलती रहे तो काफी यहाँ पे लोग भीड़ आती है। बहुत भीड़ आती है अभी भी, तो सुबह से शाम तक लोग आ ही रहे होंगे। अभी इधर भीड़ देख लो आप कितनी है। हाँ, सामने पे। अच्छा ये बताओ दीपक, एक चीज होती है, लोग आजकल सोशल मीडिया पर मतलब खूब यूट्यूब में ये चला रहे हैं कि मंदिर नहीं चाहिए, पर यहाँ पे तो सब मंदिर की वजह से ही है, केदारनाथ की वजह से, भगवान बद्री विशाल की वजह से आप लोग के घर चल रहे हैं। हाँ। तो आप लोग इसको क्या सोचते हैं? यही है, चमत्कारी है वो एक प्रकार से, जो यहाँ आए श्री राम जी ने यहाँ तपस्या करी है। नीचे संगम पे आप जाओगे तो वहाँ आपको उनकी चरण पादुकाएं मिलेंगी, और वहाँ पे हनुमान जी की भी चरण पादुकाएं मिलेंगी। मतलब फेमस फेमस मंदिर है, सबसे फेमस मंदिर यहाँ का। हाँ। ये रघुनाथ जी का मंदिर है जो सामने पे दिख रहा है लाल, और सब टूरिस्ट उसको देखने के लिए आते हैं। टूरिस्ट उसको देखने आते हैं, बल्कि इनमें आगे से ज्यादा टूरिस्ट तो वहाँ नीचे भी जाते हैं, और यहाँ जो आते हैं वो तुम्हारे यहाँ पर आकर पानी भी पीते हैं, ये यहाँ पर जो है सोडा भी पीते हैं। तो तुम्हारा घर भी इससे चल रहा है? घर भी चल रहा है बिल्कुल। अब देखिए ये दीपक थे, और दीपक ने किस तरह से बताया कि नॉलेज भी दीपक का देखिए कितना अच्छा था। उन्होंने पूरा बताया कि यहाँ पर भगवान राम यहाँ पर आए थे, संगम है, उन्होंने यही बताया। अब मेरा जो है कहना वो ये था कि मंदिर भगवान बद्री विशाल यहाँ पर है, माँ गंगा यमुना, और साथ ही अगर बात करें हम तो बद्री विशाल यहाँ पर है, भगवान केदारनाथ, बाबा केदारनाथ यहाँ पर है, और उसकी वजह से इन ये जितने ये लोग हैं जिनके इतनी छोटी छोटी दुकानें यहाँ पर खोल रखी है, इनके परिवार चलते हैं। 6 महीने जब टूरिस्ट आता है तो इनका परिवार बहुत अच्छे से यहाँ पर पलता है, बहुत अच्छे से यहाँ पर इनका जीवन यापन हो जाता है। पूछा मैंने कितने ग्लास दिन भर में बेच दे रहा है, तो उसने बताया कि मैं दिन भर में 80 से 100 ग्लास बेच देता हूँ। एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आप अच्छा खासा उसका अपना निकल जाता है, और इससे फायदा किसका होता है? उन लोगों का होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मंदिर से, एक मंदिर से परिवार पलता है, और वो परिवार सिर्फ एक पंडा का नहीं पड़ता है जो वहाँ पर पूजा पाठ कर रहा है, उसके बाहर सड़कों पर इस तरह की जो दुकानें हैं उनका भी परिवार पलता है, उसके साथ ही अन्य लोगों का परिवार भी पलता है। और ये कहना बिल्कुल उचित नहीं है, हर चीज़ की एक व्यवस्था होती है, मंदिर भी ज़रूरी है, मस्जिद भी ज़रूरी है, अगर कहें तो गुरुद्वारा भी ज़रूरी है, और इसी तरह से अगर कहें तो स्कूल भी ज़रूरी है, कॉलेज भी ज़रूरी है, लेकिन एक दूसरे से तुलना करना बिल्कुल भी सही नहीं है। आप देख सकते हैं दीपक ने जिस तरह से बताया, हर परिवार तो यहाँ पली रहे, और इस तरह से लगभग सिर्फ देवप्रयाग में बात करूँ तो मैं मुझे लग रहा है 40-50 ऐसी दुकानें हैं, और सबका एवरेज अगर निकला जाए एक दिन में 1000 रुपये कमा रहे हैं, तो महीने में ये आराम से अपना 30,000 रुपये अपना परिवार पाल ले रहे हैं। गाँव में इतनी आमदनी किसी की नहीं होती है, नौकरियाँ इतनी जल्दी नहीं मिल रही है, बीच में ये सब चीज़ें बहुत जरूरी है। और ये तो सारे के सारे श्रद्धालु हैं जो चारधाम यात्रा में जा रहे हैं,